बत्री ने फ्लॉप खिलाड़ी सोचकर छोड़ दिया था, लेकिन वो बन गया 2022 आईपीएल का किंग। पत्नी ने धोखा दिया तो वो खिलाड़ी टूट गया। फिर जिंदगी में आई एक दूसरी लड़की। पहले पत्नी ने धोखा दिया, फिर प्यार ने ताकत समझाई। मिसाल है कार्तिक की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 30 साल पहले। एक लड़का जिसको भारतीय टीम में खेलना था, उसका नाम था दिनेश कार्तिक और उस छोटी सी लड़की का नाम था निकिता बंजारा। दोनों बड़े हुए, दोस्ती प्यार में बदल गई, फिर दोनों ने शादी कर ली। 2007 में जब दिनेश कार्तिक 21 साल के हुए, तब उन्होंने निकिता बंजारा से शादी कर ली। उन दिनों दिनेश कार्तिक का करियर क्रिकेट में बढ़ रहा था और निकिता की जिंदगी में कार्तिक का प्यार। दोनों खुश थे, लेकिन इसी बीच एक तूफान आया और ऐसा तूफान जिसने कार्तिक की जिंदगी बदल कर रख दी। एक दोस्त, एक पत्नी और एक पति के बीच रिश्ते बिखरने वाले थे। भारतीय क्रिकेट टीम का ये खिलाड़ी हमेशा के लिए टूटने वाला था। वो कहानी क्या है जो फेसबुक पर वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पत्नी से धोखा खाए दिनेश कार्तिक मरना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी ने बचा लिया। हम आपको बताते एक मिसाल कायम करने वाली सच्ची घटना। दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा 5 साल तक एक दूसरे से खुश थे, पर धीरे धीरे उनकी शादीशुदा जिंदगी में तबाही की शुरुआत हो जाती है, जब निकिता की रुचि दिनेश में कम होने लगी थी। इसके पीछे की वजह थी मुरली विजय की कार्तिक की शादीशुदा जिंदगी में एंट्री। मुरली कार्तिक के अच्छे दोस्त होने के साथ क्रिकेट में उनके टीम मेंबर भी थे। इसी दोस्ती के बीच निकिता और मुरली कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसकी भनक दिनेश को भी नहीं हुई। दोनों की बढ़ती नजदीकियां कार्तिक और निकिता की शादीशुदा जिंदगी में दरार पैदा करने लगे और फिर वो होने वाला है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक दिन खेल के बाद मुरली विजय को साथ लेकर दिनेश कार्तिक अपने घर पहुंचे। मुरली विजय को खाना खिलाती निकिता इतनी अच्छी लगी कि वो भूल गए कि आगे इसका परिणाम क्या होगा। दिनेश मेहमान बनाकर लाए, लेकिन मुरली विजय तो दुश्मनी की वो कहानी लिखने वाले थे जिसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, इधर कार्तिक अकेले पढ़ने लगे। जब ये बात पता चली तो दिनेश कार्तिक ने निकिता से अलग होने का फैसला कर लिया था। आगे चलकर साल 2012 में दिनेश कार्तिक और निकिता बंजारा का तलाक हो गया। उस समय निकिता प्रेग्नेंट थी, लेकिन बच्चा किसका था ये जानकर सबके होश उड़ गए थे। दावा किया जाता है कि मुरली और निकिता की शादी के कुछ महीने बाद ही बच्चा पैदा हुआ और बच्चा मुरली विजय का था। दिनेश कार्तिक ये सच जानकर एकदम टूट गए। हालांकि ये फैक्ट है या नहीं, इस पर कोई तथ्य नहीं मिलता। ये दावा गलत है कि दिनेश कार्तिक जान देना चाहते थे, शराबी बन गए थे, लेकिन ये दावा सही है कि वो पूरी तरह से टूट गए थे और उनका करियर सुपर फ्लॉप हो रहा था। उधर मुरली विजय का करियर में हर रोज तरक्की जुड़ रही थी। किसी भी व्यक्ति की कामयाबी छीन लीजिए, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कहानी अभी बाकी है और कार्तिक की जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होने वाली है, दीपिका पल्लिकल, भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी। वो भी एक कामयाब खिलाड़ी थी, लेकिन उन दिनों कार्तिक के करियर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन प्यार में दम होता है। दोनों मिले, प्यार हुआ, शादी की। दीपिका खुद बताती है कि दिनेश उनके कितने बड़े दीवाने बन गए थे। दीवाना कोई किसी का हो सकता है, लेकिन किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए, दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था। हम पहली बार 5 साल पहले मैराथन में मिले थे, उसके बाद हम जिम में मिले और जहां तक मुझे याद है तो मैं उसे बाय कहे बिना प्रैक्टिस के लिए निकल गई थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे। उनके और दिनेश के बीच बात आगे कैसे बढ़ी, दीपिका ने इस पर कहा, हम जिम में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये फरवरी 2013 की बात है। उस वक्त मैंने कनाडा में एक टूर्नामेंट जीता था, जबकि दिनेश इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। मैं एक सप्ताह के लिए लीड्स में ट्रेनिंग के लिए गई थी और वो मेरे लिए वहां भी आ गए। तब मुझे महसूस होने लगा था कि हर कोई ऐसा नहीं करता। वो मुझे एकेडमी में ट्रेनिंग करते हुए देखा करते थे, यहाँ तक कि स्क्वैश में भी हाथ आजमाते थे। जितना मैंने सोचा था, उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बेहतर खेला। वो एक बेहतर इंसान है। भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद दिनेश कार्तिक ने लंदन में दीपिका पल्लिकल को प्रपोज किया था। ये 15 नवंबर 2013 की बात थी, जब दिनेश और दीपिका ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में चेन्नई में एक दूसरे के साथ सगाई कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर लिया था। 28 अक्टूबर 2021 को दीपिका और दिनेश को जुड़वा बच्चे हुए और यही वो तस्वीर है जो फेसबुक पर वायरल है। तस्वीर में दिनेश और दीपिका अपने बेबी बॉय को गोद में लिए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही उनका डॉगी भी नजर आ रहा था। उन्होंने अपने इस पोस्ट के साथ लिखा था कि वो 3 से 5 हो गए। आज दिनेश के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। आईपीएल 2022 के सबसे हिट, सबसे फिट खिलाड़ी है। उनकी जिंदगी 40 साल की उम्र में भी सफल है।
लेकिन मुरली विजय के पास न टीम में जगह है न ही कोई काम। वो कार्तिक की पहली पत्नी के साथ खुश हैं, लेकिन समाज उन्हें हीरो नहीं मानता। समाज हीरो मानता है उसे जो टूटकर भी खड़ा हो जाए, हार कर भी दम दिखा जाए और कहा जाए ये असली शेर है। यही सच्ची प्रेम कहानी है जो कहानी बदल कर रख देती है।